नमस्ते दोस्तों, हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी या गणेश पूजा की शुरुआत होती है दोस्तों। और ये वो दिन है जिस दिन गणेश जी अपनी माता गौरी या जिन्हें हम पार्वती जी भी कहते हैं, उनके साथ वो कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आए थे। दोस्तों ये त्यौहार 10 दिन तक बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और मिट्टी के गणेश जी जो हैं उन्हें अपने घर में लाया जाता है मेहमान की तरह और उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। उस प्रतिमा की दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा भी होती है और फिर षोडशोपचार होता है। 16 तरह की क्रियाएं की जाती हैं जिसमें नारियल, मोदक, दुर्वा घास, लाल गुड़हल के फूल, ऋग्वेद की ऋचाएँ, अथर्व शिरसा, उपनिषद, गणेश स्त्रोत और नारद पुराण की विधि से सुबह शाम उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है। दोस्तों ये देखिए कलाकार गणेश जी की मूर्तियों का श्रृंगार कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग सब ये डेकोरेट कर रहे हो गणेश जी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? पारस। पारस जी। पारस का नाम ही ऐसा है कि जिसको टच करो वो सोना बन जाए, हैं? तो ऐसे ही जिस गणेश जी को टच करो वो चमकने लग जाएंगे। तो कौन सा मटेरियल इसमें यूज कर रहे हो आप? सर जैसे हम इसमें अपना जिससे अट्रैक्टिव पीस बनाया जा सके कि अपना गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ उन्हें ना वस्त्र बनाने की जरूरत ना पड़े। ओके, एक और चीज बताओ, जैसे आप लोगों से यहाँ गणेश जी लोग ले जाते हैं और आप इतनी मेहनत करते हो, डेकोरेट करते हो, तो आपका दिल मान जाता है कि ये गणेश जी कुछ दिनों बाद विसर्जन कर दिए जाए? नहीं, दिल तो नहीं मानता, पर अगर ये विसर्जन नहीं करेंगे तो जो मूर्ति बना रहे हैं, हाँ, तो ये भी नहीं बना पाएंगे मूर्ति। आप इस बार कोरोना के टाइम क्या संदेश देना चाहोगे जो जो मूर्तियां ले जा रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि तुम भाई मूर्ति अपना तुम लेते जा रहे हो भी, वहाँ पे ज्यादा भीड़ ना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का बोला हुआ है, ओके, कि उसकी पूरी पालना की जाए, ओके, ये ना हो कि भीड़ भड़कता दिया जाए। और साथ ही साथ जैसे कि अपना विसर्जन के टाइम पे कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जिससे कम बंदों को परमिशन मिले, विसर्जन सही तरीके से कर पाए जिससे कि बीमारी ना फैले। ओके, और एक चीज बताओ, पीछे मैं नदी में घूमने गया था तो वहाँ की मछलियाँ बोल रही थी कि इस बार भी जितने गणेश जी विसर्जन होंगे उनका जो पेंट है, कलर्स है, वो खाके हम लोग मर जाते हैं, तो उस बारे में आप क्या उनको कहना चाहोगे जो लोग ले जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बात होती है कि हाँ भाई अफवाह कह दें, या ऐसा पेंट इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम आप इस पेंट को पानी में या वाटर में डालेंगे ना तो वैसे ही पेंट अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाता है। नहीं, पेंट में काफी लेड होता है, हैवी मेटल्स होते हैं। अगर जो तो आप ये संदेश दो सर, इस पेंट से अगर जो मछलियों को नुकसान हो रहा है, अगर इस पेंट से हम हाथ लगा रहे हैं, जो कलर कर रहे हैं उनको भी नुकसान होएगा? हो रहा है, बिल्कुल होता है। मछलियों को नुकसान हो रहा है तो फिर हमको भी नुकसान होएगा? बिल्कुल होता है, होता है। तो आप लोग भी ग्लव्स पहन के यूज करो। और दूसरा, जो ये मूर्ति जिस मटेरियल की बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो अंदर मटेरियल यूज होता है, ये मिट्टी में और नेचर में डिकम्पोज नहीं होता, तो ये पॉल्यूशन ही करता है। तो आप लोग ये बोलो जो जो ले जा रहे हैं कि इसको घर में कोने में जगह दें, जहाँ पे इसको डेकोरेशन की तरह रखें, अगले साल नए गणेश जी ले जाएं, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण भी बचेगा और आपकी जो मेहनत है आपको भी मजा आएगा कि मेरा एक मास्टरपीस काफी टाइम तक पड़ा रहा। और क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं भाई साहब, बताओ क्या कह रहे हो आप? कोशिश ये रहेगी जी, अगली बार से मिट्टी की ही करेंगे। बहुत बढ़िया, नहीं बनाओ ये, क्योंकि एक कलाकारी है। देखो जो कला कर रहा है उसका भी कला का सम्मान होना चाहिए। अब जैसे ये चीज हम ले जाएं घर पे और घर पे एक डेकोरेटिव पीस की तरह रखें एक साल तक, विसर्जन करके हम नदी का और अपने पर्यावरण का भी नुकसान कर रहे हैं, तो वो चीज भी बच जाएगी और कलाकार का दिल बहुत खुश हो जाएगा कि यार मेरी चीज संरक्षित हो गई। तो एक्चुअली यही गणेश पूजा होनी चाहिए, क्या कहते हो, सहमत हो? तो आप लोग जो भी गणेश ले रहे हैं उनको संदेश दो और समाज में जागरूकता फैलाओ कि पॉल्यूशन ना करें और बड़े प्यार से गणेश चतुर्थी मनाएं। दोस्तों 10 दिन बाद ये माना जाता है कि गणेश जी अपनी माता पार्वती जी के साथ अपने पिताजी शिव जी के पास कैलाश पर्वत पे दोबारा चले जाते हैं, तो इस दिन विसर्जन कर दिया जाता है इन प्रतिमाओं का। दोस्तों सबसे पुराना प्रमाण जो है गणेश जी का वो ऋग्वेद में मिलता है।
और दोस्तों सबसे पहली सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन लोकमान्य तिलक जी ने 1892 में किया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों ने 20 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई थी और लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पूजा के माध्यम से ये चीज तोड़ दी थी। दोस्तों गणेश जी विघ्न विनाशक और बुद्धिमत्ता के देवता हैं और संपूर्ण विश्व में ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में समुद्र और नदियों में किसी भी प्रकार की प्रतिमा या किसी भी रसायन का विसर्जन जो है वो गैर कानूनी बताया था। तो दोस्तों हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि हम मिट्टी के गणेश जी अपने घर में स्थापित करें और गणेश उत्सव मनाएं और उसके बाद अपने घर में ही किसी ड्रम में या किसी बर्तन में पानी रखकर उसमें वो विसर्जन कर दें और जो मिट्टी बचे दोस्तों वो अपने गार्डन में फैला दें ताकि वहाँ जो वृक्ष और वनस्पतियाँ हैं, फूल हैं, वो खिलें। हैप्पी गणेश पूजा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।